प्राचीन शिव पार्वती मंदिर में पर्याप्त सुरक्षा न होने से महिला से चैन स्नैचिंग का प्रयास। प्राचीन शिव पार्वती मंदिर में सीसीटीवी कैमरों की अनुपस्थिति और शिवरात्रि व सावन सोमवार पर प्रशासन द्वारा व्यवस्था न करने के कारण महिला चैन स्नैचिंग गिरोह सक्रिय हो गया है। श्रद्धालु महिला कांती चौहान के साथ चैन स्नैचिंग का प्रयास किया गया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। मंदिर में सावन सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान एक महिला श्रद्धालु के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई। महिला श्रद्धालु कांती चौहान ने बताया कि वह अन्य महिलाओं के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी, तभी एक अज्ञात महिला ने उनकी चैन खींचने का प्रयास किया, लेकिन वह तुरंत मामला समझते ही अज्ञात महिला का हाथ पकड़ लिया। अज्ञात महिला हाथ झटक कर तेजी से मंदिर की सीढ़ियों से उतर कर भाग निकली। कांति चौहान ने तुरंत मंदिर के पुजारी और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने से आरोपी की पहचान करना मुश्किल है। इस घटना के बाद पुलिस ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने और कीमती सामान सुरक्षित रखने की अपील की है। साथ ही मंदिर समिति और नगर परिषद से स्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। साथ ही महिलाएं और श्रद्धालु भीड़ भाड़ वाली जगह पर जेवर पहनने से परहेज करें और कीमती सामान सुरक्षित रखें। खबर भारत वर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनता।